कोरोना महामारी के समय को भूलना हम सबके लिए मुश्किल है। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया, भारत भी इसका शिकार बना और मोदी सरकार जनता को मरता छोड़कर इस आपदा को अपने मित्रों के लिए अवसर में बदलने में लगी रही। इसी कोशिश में उसने 3 काले कृषि कानूनों को बिना किसी चर्चा के लागू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ विशाल जन आंदोलन। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लाखों किसान इन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इन 3 काले कृषि कानूनों के पीछे किसका हाथ था? आखिरकार वो कौन था सरकार के थिंक टैंक में जो मोदी सरकार को अपने इशारों पर नचा रहा था? तो ये शख्स थे शरद मराठे, विदेश में रहकर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले एक बिजनेसमैन। उन्होंने मोदी जी के नीति आयोग को देश में कृषि को लेकर एक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया। इस टास्क फोर्स में मोदी सरकार ने उन्हें भी शामिल कर लिया। मराठे को कृषि के क्षेत्र का कोई अनुभव भी नहीं था। इस टास्क फोर्स ने 2018 में अपनी रिपोर्ट देने से पहले किसी अर्थशास्त्री किसान संगठन से सलाह मशवरा नहीं किया था। सलाह अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, पतंजलि और ITC जैसे कॉरपोरेट से ली गई थी। अपनी रिपोर्ट में मराठे ने सुझाव दिया कि कैसे किसानों की जमीन बड़े उद्योगपतियों को दी जाए और कैसे किसानों को उन्हीं के खेतों में गुलाम बनाया जाए। मोदी जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, इसका एक नमूना और देखिए। इसी टास्क फोर्स की एक बैठक में अडानी समूह के प्रतिनिधि ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम इस राह में रोड़ा साबित हो रहा है, तो मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम ही खत्म कर दिया और जमाखोरी पर लगे प्रतिबंध खत्म कर दिए। अब मोदी जी कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर किसकी आय दुगनी करने की कोशिश कर रहे थे, ये बताना तो जरूरी नहीं है। मोदी जी ने जैसे देखा ऐसे कानून से दोस्तों को खूब फायदा होगा, तो उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए इन काले कानूनों को देश पर थोप दिया। राहुल गांधी पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, जो केवल अपने पूंजीपति मित्रों के बारे में चिंतित है। इन रिपोर्ट्स में तो ये सच अब सबके सामने आ भी गया है। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।